हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में, जो कि 498A के ऊपर है। कई बार कुछ लोगों को 498A में पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और अननेसेसरी हैरेसमेंट करती है, तो इससे रिलेटेड ये जजमेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बात करें इस जजमेंट के बारे में जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, जो कि विमल कुमार एंड स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में। यहां पर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो 498A के केस में जो पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर लेती है, वो तुरंत गिरफ्तारी ना की जाए। यहाँ पर यह कहा गया है कि सीआरपीसी सेक्शन 41(1)(b) के तहत जो गिरफ्तारी की जाती है, उसमें ये साफ कहा है कि 7 साल से अधिक की सजा में गिरफ्तारी करे, 7 साल की जो कम सजा है, ऐसे केस में पहले पुलिस जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद अगर उन्हें जरूरत लगे तो ही गिरफ्तारी की जाए। यहाँ पर जो 498A का केस है या कोई फैमिली मैटर्स है तो उस पर तुरंत गिरफ्तारी ना की जाए। यहाँ तुरंत जो परिवार वाले हैं उन्हें हैरेस न किया जाए, परेशान न किया जाए। यहाँ पर यह कहा गया है कि पहले अगर कोई 498A का कोई केस करता है तो पहले उस केस में जांच करे, उस केस का पड़ताल करे और उसके बाद अगर तथ्य है, कोई ऐसे जो रीजन मालूम पड़ते हैं, नेसेसरी रीजन है कि जिससे गिरफ्तारी जरूरी हो, तो मैजिस्ट्रेट के आदेश लेने के बाद ही ऐसे केस में गिरफ्तारी करे, बिना वजह किसी को भी 498A में तुरंत गिरफ्तार ना करे। यहां पर यह भी कहा है हाईकोर्ट ने कि हर पुलिस स्टेशन में जो 498A के तहत जो अमेंडमेंट हुआ है, जो नए अपडेट आए हैं, उन्हें भेजा जाए, उन्हें पढ़ा जाए और उसके आधार पर ही पुलिस कार्यवाही करे। साथ ही में यह भी कहा है कि ये जो विमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का जो जजमेंट है, उसकी कॉपी भी हर एक पुलिस स्टेशन में दी जाए और इस जो गाइडलाइंस दी है, जो निर्देश दिए हाईकोर्ट ने, उसका पुलिस वालों के द्वारा पालन किया जाए। आपको अगर ये जो विमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से पूरा जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी कि 498A का अगर कोई केस होता है तो उस पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है और उसका पूरा जजमेंट यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।